सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया हूँ। दोस्तों मेरा नाम है शहबाज, अगर आप देख रहे हैं शहबू जेम्स हो। गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ रैंक पुश थंबनेल आप कैसे बना सकते हो, वो भी एंड्रॉइड फ़ोन की मदद से। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली गाइस अपना पीएसटेच ओपन कर लेते हैं। सो गाइस पीएसटेच ओपन होने के बाद आपको करना है इस पर क्लिक करना है, और आपको कहना है ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। ब्लैक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब थंबनेल का साइज ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थंबनेल का साइज, जैसे कि 1280 और 720, जो कि आपको पता ही होगा गाइस। अभी लेने के बाद आपको करना है, मतलब कोई सा भी कैप्चर ले लेना है, जो कि मैंने इस तरह का कैप्चर लिया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो आप भी चाहो तो उस तरीके का जो है कैप्चर एंड सेव कर सकते हो और गाइस बना सकते हो। तो मैं लेकर आया था। सो गाइस कैप्चर में जो है कुछ इस तरह का, मतलब ये लेकर जाता हूँ, इसे मैं क्या करूँगा कुछ इस तरीके से बड़ा करूँगा, वो बड़ा करने बाद कुछ इस तरीके साइड में लगा दूंगा, जो कि मुझे लिखने का भी मौका मिले। सो गाइस पहले मैं क्या करूँगा, अपने करेक्टर की जो है मुझे पीएनजी बना लेनी है, अपने करेक्टर की पीएनजी बनानी है। तो पीएनजी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो आपको मतलब कुछ इस तरीके से ये मतलब शो पॉइंटर सेलेक्ट कर लेना हो यहाँ से। इस पर क्लिक करने बाद यहाँ से आपको शो पॉइंटर पर क्लिक कर देना है। और शो पॉइंटर पर करने के बाद आपको मैं बता दूँगा आपको पीएनजी कैसे बनानी है। अगर आपको पीएनजी बनानी नहीं आती तो आप मतलब सर्च कर लेना, मुझे वीडियो बता कमेंट में बता देना, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा गाइस। ठीक है ना गाइस, एक सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा। तो सो ऑलराइट गाइस, तो अभी आपको मतलब पीएनजी बनाने के लिए आपको करना होगा यहाँ से जो वाला शो पॉइंटर कर देना है। शो पॉइंटर करने के बाद मैं आपको बता दूँगा आपको क्या करना है। सो कुछ इस तरीके से जो है मतलब आपको एक मार्क कर लेना है, जो आपको वापस जो उसी मार्क पर जो आपको आकर रोकना है। तो मैं कुछ इस तरीके से देख सकता हूँ, मैं यहाँ पीएनजी जो है कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। सो जल्दी से जो मैं इसे कट कर देता हूँ गाइस, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा बताने में इसे। सो गाइस पीएनजी बनाने के बाद आपको बता दूँ आपको क्या करना है, यहाँ से जो एक मतलब एम्प्टी ले निकालना है। एम्प्टी ले निकालने के बाद आपको फिलहाल स्ट्रोक पर जाना है। फिलहाल स्ट्रोक पर बाद आपको स्ट्रोक पर क्लिक करना है, और इसके जो विड्थ थे जो थ्री कर देनी है। थ्री करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, ऊपर जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। स्टेलाइज पर जाना है। स्टेलाइज पर आने के बाद आपको ग्लास जो है यहाँ से दे देना है। ग्लास जो है थोड़ा सा जो है आपको बढ़ा देना है। वन मिनट। सो इस पहले जो करना है आपको फिर से इफेक्ट्स पर जाना है। इफेक्ट्स पर जाने के बाद आपको जो है फिर से ग्लास दे देना है, वो ग्लास को जो मतलब थोड़ा सा कम कर देना है। अब फिर से इफेक्ट्स पर जाना है, बेसिक पर जाना है, वो ग्लो का एक ऑप्शन मिल रहा होगा गाइस। ग्लो जी आ गए, तो यहाँ पर जो मतलब आपको जो है ग्लो दे, हाँ तो गाइस जैसे कि आप ग्लो दोगे तो इसका कलर जो है आपको मतलब कर लेना है पीला। तो मैं पीला कर रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर कर सकते हो भाई। सो गाइस ये सब होने बाद अब आपको करना है अपने बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने बाद आपको करना है, आपको जाना है मतलब इस पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, टिंट पर जाना है। टिंट पर जाने के बाद थोड़ा सा जो मतलब इसे बड़ा कम कर देना है। थोड़ा सा कम करने के बाद अब आपको करना है गाइस अपने टेक्स्ट पहले लेकर जाने। तो मैंने टेक्स्ट पहले से बना के रखे हैं पिक्सल लैब में, आप चाहो तो कोई से मुझसे बना सकते हो, लेकिन पिक्सल लैब सबसे बढ़िया। सो पिक्सल लैब में जो आप बना लेना, तो मैं लिखूंगा गाइस। तो पहले मैं लेकर जाता हूँ गाइस क्या। सो गाइस हाँ, पहले कि मैं ये लेकर आता हूँ। अब ये लेकर आने के बाद आपको करना है इसे कुछ इस तरीके से बड़ा करना है, जैसे कि मैंने कल के थंबनेल में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से जो मतलब बड़ा करना है। अब बड़ा करने बाद ही जो यहाँ से जो इसे यहाँ से डन कर देना है। डन करने बाद इसे बाद में सही कर लेंगे। सिलेक्ट पिक्सल करना है, अब इसे देना है हमें ग्रेडियंट। तो फिल स्ट्रोक पर जाएंगे, फिल स्ट्रोक पर पहले इसे फिल कर लेंगे। फिल करने बाद अब आपको यह करना है यहाँ से जो मतलब ग्रीन कलर का जो है चूज़ कर लेना। ग्रीन कलर का चूज़ करने बाद अब आपको जो नीचे मोड का ऑप्शन मिलेगा, मोड पर जो एक बार प्लस होगा, जब आपका माइनस हो जाए तो माइनस करने के बाद आपको जो इसके आधे पिक्सल जो सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से आधे पिक्सल जो सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, वन मिनट, आधे पिक्सल सेलेक्ट करने हैं ये। या सो हाँ गाइस, ये करने बाद आपको करना है ट्रांसफॉर्मर आना है। ट्रांसफॉर्मर आने के बाद इसकी विड्थ जो है मतलब इतना ही रहने देना, ज़्यादा मतलब कम भी नहीं करना। सो अब आपको करना है ये दो कलर वाला जो कुछ इस तरीके से ले लेना है, जो कि आपको ग्रेडियंट देना है। सो पहले वाले पे क्लिक करो, जिसे भी ग्रीन कर देना है और दूसरे वाले को भी ग्रीन कर देना है। दूसरे वाले पे क्लिक, एच एस बी में जाना है। एच एस बी में जाने के बाद आपको करना है इसकी ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी कम कर देनी है, 50 के आसपास जो है रख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब इतना कुछ करने के बाद आपको जो यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपका जो पहला ग्रेडियंट है वो तैयार हो जाता है। आपको करना है ऐसे दूसरा टेक्स्ट लेकर जाना है। तो मैं लेकर आऊँगा रैंक पुश। हाँ तो गाइस रैंक पुश लेकर आऊँगा। रैंक पुश लेने के बाद आपको अभी क्या करना है, यहाँ से जो थोड़ा सा छोटा करना है,
थोड़ा सा छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से साइड में लगा देना है। अब जो इसकी भी सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, सिलेक्ट पिक्सल पर जैसे फ्लिंट स्ट्रोक पर जाएंगे, फ्लिंट स्ट्रोक पर जाने के बाद इसे जो पीले कलर का दे देंगे, मतलब येलो, ये कलर येलो कलर का जो है, मतलब इसे फ्लिंट स्ट्रोक दे देंगे। अब इसके भी जो है माइनस में लेके जाएंगे, माइनस में लेके बाद इसके भी जो है पिक्सल सिलेक्ट करेंगे आधे, मतलब गाइस इसके भी आधे पिक्सल ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसका विड्थ जो है मतलब 43 के आसपास, मैं 3 कर देता हूँ। फिर से आपको ग्रेडियंट पर जाना है, ग्रेडियंट पर जाने के बाद जो इस तरीके का पीला ग्रेडियंट ले लेना है, जैसे कि आपने वहाँ हरा बनाया था, तो कुछ इसी तरीके से आपको जो है मतलब येलो ग्रेडियंट लेना है। सो येलो कुछ तरीके से लेने के बाद यहाँ से जो मतलब डन कर देना है, डन करने के बाद ये भी जो क्लियर हो जाता है। और फिर से आपको एक और टेक्स्ट लेकर आना है गाइस, जो कि आपका है गाइस विद मोरकिल, क्योंकि कल की वीडियो में आपने देखा होगा विद मोरकिल, तो इसमें मैं बताऊंगा तो इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आपको कौन सा कलर ग्रेडियंट लेना है। तो पहले जो है मतलब इसे एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से गाइस, वन मिनट पहले थोड़ा सा छोटा करूँगा, छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से जो है नीचे लगा दूंगा। हाँ गाइस, तो इस तरीके से लगा आपको फिर इससे भी इसकी सिलेक्ट पिक्सल करने है, सिलेक्ट पिक्सल करने फिल्म स्टोक पर जाना है, फिल्म स्टोक पर जाने के बाद जो है इसका व्हाइट कलर दे देना है। और व्हाइट कलर देने के बाद इसके भी जो आधे पिक्सल सिलेक्ट करने गाइस, आधे इसके भी आधे देने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपको 3 जो है ऐसा कर देना है, या तो 4, मैं 4 कर देता हूँ। तो फिर से ग्रेडियंट पर जाएंगे, आपके जो आपको व्हाइट कलर ले लेने दोनों। अब फिर से HSB में जाकर इसकी ब्राइटनेस जो है बिल्कुल कम कर देने कर देंगे, 45 कर देंगे। 45 करने के बाद आपको करना है कुछ इस तरीके से मतलब बढ़ा देना है, जैसे मैं आपको बढ़ा दे रहा हूँ। अब कुछ इस तरीके से करने के बाद जो ये आपको तैयार हो जाता है टेक्स्ट। अब टू टेक्स्ट को क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर में डाउनलोड जैसा, इस पर क्लिक करना है, मर्ज डाउन जो है कर लेना है सारे टेक्स्ट को। मर्ज डाउन करने के बाद अब सारे टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। फिर आपको करना है ट्रांसफॉर्मर जाना है, ट्रांसफॉर्मर जाने के बाद कुछ इस तरीके से बड़ा करना है। अब बड़ा करने के बाद थोड़ा सा जो छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा करना है गाइस, ज़्यादा नहीं। सो छोटा करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फिर आपको करना है एफएक्स पर जाना है, शेडो जो है दे देनी है 2 बार, या तो सो 2 बार शेडो देने के बाद आपको कुछ इस तरीके का बनेगा। अब आपको लेकर आना है गोल्ड और उसका मतलब गाइस कॉर्नर। सो गोल्ड और उसका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने कल की वीडियो में लगाया था गोल्ड और ग्रैंड मास्टर का। सो गोल्ड और ग्रैंड मास्टर का मैं आपको लेकर जाता हूँ गाइस, उसे डाउनलोड करने का गूगल पर सर्च करना सिंपली, जो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगा गूगल दे देगा आपको, कोई ऐसी वाली टेंशन वाली बात नहीं है। आपको ना इस पर जाना है, पहले जो गोल्ड वाला लेकर आना है। अब गोल्ड वाले को छोटा करना है, छोटा करने के बाद कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर ले भाई, बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। सो इसे जो है कुछ तरीके से थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पे जो है कर देना है कुछ तरीके गाइस। हाँ, तो कुछ तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको करना है फिर से जो है मतलब यहाँ पर लेकर जाना है। फिर से लेकर जाए आपको करना है आपकी ग्रैंड मास्टर की जो है लेकर जानी है। और ग्रैंड मास्टर लेकर जाए तो आपको करना है इसमें जो आपको जैसा आपने मतलब अपने करेक्टर पर टेक्स्ट दिया था वैसे ही जो है यहाँ पर जो आपको देना है गाइस, उसी सिंपली उसी तरीके से गाइस। और ये क्या हुआ गाइस, दोबारा ले गया रहते हैं या सो इसके भी सिलेक्ट पिक्सल करने हैं। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद मैं जल्दी जल्दी से जो है गाइस दे देता हूँ, ना तो वीडियो बहुत लंबा हो या सो कुछ इस तरीके से देने बाद आपको अगर फिर से इस पर चले जाना है, जो कि आपको एक एरो को ऑप्शन मिलेगा, जो कि मैंने इरेज कर रखा है, डाउनलोड नहीं करा है, इरेज करा है। सो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो इसे जो कुछ तरीके से एडजस्ट करना है, जैसे कि गाइस लगे कि हाँ ग्रैंड मास्टर मतलब गोल्ड टू ग्रैंड मास्टर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो इसे जो पहले मैं दे दूँगा थोड़ा सा ग्लो दे देंगे, ऐसी वाली दिक्कत नहीं है। अब ग्लो देने के बाद कुछ इस तरीके से जो है आपका थंबनेल जो है गाइस रेडी हो जाता है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो के लिए एक लाइक जरूर और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप चाहो तो इसमें मतलब ढेर सारे इफेक्ट लगा सकते हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, इसलिए यहाँ पर एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।